हेलो साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे, बेहद अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज इस बहुत छोटे से वीडियो में बहुत कम टाइम लिया है, ज़रूर देखिए इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेशन में हम कैसे टाइम चेंज करते हैं ये हमने टेंसेस से सीखा, आज हम बताना चाहेंगे प्लेस कैसे चेंज करते हैं। हमने ये पढ़ा है, कम का गो होता है, हेयर का देयर होता है, दिस का दैट होता है, दीज का दोज होता है, टुडे का दैट डे होता है, ये सब पता है ना हमें। एगो का बिफोर होता है, दस का सो होता है, नाउ का देन, जस्ट का देन, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम बदलते हैं। इस वीडियो में सोल्यूशन मैं लेकर आया हूँ कि आखिर हम ये बदलते क्यों हैं। दो एग्जाम्पल, सिर्फ दो एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम ये चेंज क्यों करते हैं, है ना इम्पोर्टेंट। आइए पूरा देखेंगे, एक एग्जाम्पल देखिए। राम सेड टू मी, I eat this mango. अब देखिए, राम ने मुझसे कहा। पहली चीज तो हम सीखेंगे कि टाइम कैसे चेंज करते हैं। ये पास्ट टेंस है और ये प्रेजेंट है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये भले ही सेंटेंस पास्ट में हो, ये भले ही सेंटेंस प्रेजेंट में हो, लेकिन इन दोनों की टाइमिंग सेम ही है। जी हाँ, इन दोनों की टाइमिंग सेम है, भले ही इनके टेंस अलग हैं। द क्वेश्चन इज, इनकी टाइमिंग सेम कैसे हो सकती है? इनकी टाइमिंग सेम ऐसे है क्योंकि राम ने जब मुझसे कहा था कि मैं ये आम खाता हूँ, ये उसी टाइम की बात है। पहला क्वेश्चन यहीं पर आता है, तो इनका टेंस अलग अलग क्यों? इनका टेंस अलग अलग इसलिए कि ये बात मैंने जानबूझ के इसमें मी लिखा है साथियों, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था, राम ने मुझसे कहा। अब ये बात चूंकि मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, इसका मतलब ये जो घटना है ये इस टाइम से पहले की है। तो अगर मैं यहां पर ये कह दूं राम मुझसे कहता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। राम मुझसे कैसे कह सकता है, क्योंकि राम इस वक्त यहां पर मौजूद नहीं है, इस वक्त मैं हूं और आप हैं। तो इसका मतलब ये बात कल की है, आज से पहले की है, पास्ट टेंस की है, इसलिए इसकी टाइमिंग अलग है। चूंकि उस वक्त वो कहता था कि मैं खाना खा रहा हूँ, उस टाइम में ये प्रेजेंट था, क्योंकि अगर यहाँ भी पास्ट होता तो इसका मतलब होता ये खाना इसने और पहले खाया होता। तो अगर ये बात कल की है, जैसे आज मंडे है तो कल संडे है, तो संडे में उसने मुझसे कहा था और वो आम खाता खाना चाहता था, जो उसके पास पड़ा था वो खाता था, उसी टाइम की बात है। तो क्लियर हो गया, इसलिए इसको हम जैसी चेंज करते हैं तो टाइम बदलते हैं। कैसे बदलेंगे हम? कुछ ऐसा करते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है ये, आपको पता होगा। राम टोल्ड मी दैट, आई का ही हो जाएगा, पास्ट टेंस में एट हो जाएगा। तो पहला तो प्रॉब्लम है क्लियर हो गया, हमने दोनों को बैलेंस करा। जैसे ही हमने इनडायरेक्ट बनाया, हमारा मिशन कंप्लीट हुआ, हमने दोनों को एक धरातल पर एक टाइम पर लेकर आए। इसका मतलब कि दोनों काम एक ही साथ हो रहे थे। दूसरी चीज है प्लेस। अक्सर हम सारे रूल्स में, मैं बार बार समझाना चाहता हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करिए, कि हम ये टाइमिंग की चेंज हम समझ लेते हैं, हम रट लेते हैं, लेकिन शायद आप आज बेहतर समझ पाए हों, ठीक है। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लेस, इसको भी हम केवल रटे बैठे हैं। आज हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की कि मैं ये आम खाता हूँ तो दिस का दैट क्यों करते हैं। ये आम, ये मतलब होता है जो सामने है, दैट का मतलब वह जो दूर है। जिस वक्त राम ने मुझसे ये बात कही, वो आम वहीं कहीं होगा, ये आम जो उसके सामने है। लेकिन इस टाइम अगर मैं इस बात को आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ना तो आम है और ना ही यहाँ पे राम है, आप हैं और मैं हैं और हम नरेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर करते हैं जानबूझ के दैट मैंगो, कि मुझे आपको बताना पड़ेगा कि राम ने मुझसे कहा था कि वह राम भी आ नहीं, इसलिए वह आम खाता था, वह आम जो ना आपने देखा लेकिन मैंने देखा, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद था, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ गए होंगे टाइम के साथ कैसे प्लेस चेंज करते हैं और क्यों दिस का दैट होता। एक इससे भी इंटरेस्टिंग, कम और गो को एक साथ कम और हेयर को बदलेंगे। अब मैं अगला एग्जाम्पल दूंगा, ही सेड टू हर, I do not come here, ठीक है।
ही ने हर से कहा, ही लड़का है वह यहाँ पर मौजूद नहीं है, हर लड़की है वह दोनों यहाँ पर मौजूद नहीं है। बात ही पास्ट टेंस की, लड़के ने लड़की से कहा था मैं यहाँ नहीं आता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ नहीं आता हूँ। अब यहाँ से मैंने अपने आप को हटा लिया तो यहाँ पर ना फर्स्ट पर्सन मैं हूँ ना यू सेकंड पर्सन है, यहाँ दोनों थर्ड पर्सन है। तो हमने कुछ ऐसा किया, ही टोल्ड हर दैट, आई का कर दिया ही डिड नॉट। अब सवाल ये कम का गो क्यों होता है, कम का मतलब होता है आना। जैसे जब कोई मेरे पास आता है तो मैं उससे कहता हूँ कि आप यहाँ आना चाहते हैं, आना मीन्स किसी का मेरे पास आना, यानी कि एक जो मेन सेंटर फिगर है उसके पास आना, सेंटर फिगर के पास जाना, मतलब यहाँ से दूर जाना, मैं यहाँ पर एक जगह एक मुकाम हूँ, एक स्थान हूँ। तो ही ने हर से कहा कि मैं यहाँ नहीं आता हूँ। अगर कम का हम कम ही रखेंगे तो हो जाएगा आना, और साथ में अगर हेयर भी रखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ। तो ना तो लड़के ने यहाँ आने की बात की, यहाँ का मतलब यह जगह जहाँ इस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, तो यहाँ की जगह पर हमें कहना पड़ेगा वहाँ, वह वहाँ जाना चाहता है जहाँ ना आप हैं ना जहाँ मैं हूँ, हम दोनों यहाँ नहीं हैं। ये तीसरी जगह की बात, दूसरी जगह की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमें कम का गो करना पड़ा और उससे पहले देयर करना पड़ा। जी हाँ, इंपॉर्टेंट बात, पहले देयर, वह यहाँ नहीं वहाँ, और वहाँ वो आएगा नहीं, आना तब होता जब वो यहाँ आता। जैसे यहाँ का वहाँ हुआ, पहले हेयर का देयर चेंज हुआ, इसलिए आने का जाना हो गया। आई होप आप इस एग्जाम्पल से समझ पाए होंगे कि किस तरह हम टाइम चेंज करते हैं और टाइम के साथ प्लेस चेंज करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, अभी भी अगर ना आपके क्लियर हो, इससे भी अच्छा एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो क्लियर कर देगा। राम सेड टू रीता, प्लीज कम हेयर। ये ज्यादा अच्छे से आपको बता पाएगा, तो रिक्वेस्ट है, तो राम रिक्वेस्टेड रीता, चलिए लिख ही दे रहे हैं यहां पे, राम रिक्वेस्टेड रीता। तो इंपेरेटिव में प्लीज की जगह पे टू हो जाएगा। अब फिर एक बार समझेंगे, राम ने रीता से कहा कृपया यहाँ आओ, राम रीता को अपने पास बुला रहा है। अगर मैं यहाँ पर सेम लिख दूंगा तो हो जाएगा राम रीता से कह रहा है यहाँ आओ, यहाँ का मतलब यहाँ जहाँ इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस पोजीशन पे, इस प्लेस पे, तो प्लेस तो चेंज है, इसीलिए यहाँ पर हमें करना होगा गो देयर, कि राम रीता को वहाँ बुलाने की रिक्वेस्ट कर रहा है, वहाँ जहाँ राम है, यहाँ नहीं जहाँ हम हैं और आप हैं। तो आई होप इस वीडियो से आप टाइम और प्लेस को चेंज करना सीख रहे होंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल, आई रिक्वेस्ट यू, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर अबाउट योरसेल्फ।